नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सफल इंसान को अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर प्रकार के कार्यों को करने पड़ते हैं। उन्हें हर चीज़ों को सहन करके उनमें सम्मिलित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, अगर उनके सामने कोई कठिन समस्या भी है तो उन्हें वह निवारण करके उन्हें चीरते हुए अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं। जय दोस्तों, तभी जाकर एक सफल इंसान बनता है। जय दोस्तों, अगर फिर भी उनके जीवन काल में कोई समस्याएं हैं, फिर भी उनके जीवन काल में कोई कठिनाइयां आती रहती है, तो दोस्तों उन्हें भी यह बात का पता चलता है कि हमारे जीवन काल में कोई गलती जरूर है, तभी जाकर हमारे राह में आते जाते समस्याएँ आ रही है। जी दोस्तों, और इसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपके भी जीवन काल की हम 3 प्रमुख गलतियां बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि आज के बाद से हम यह गलतियां भूल कर भी नहीं करेंगे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी गलतियां नहीं बल्कि आपके जीवन की सीख बताने वाले हैं और इन्हें सीख कर आपको काफ़ी मजा आने वाले हैं। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सीखकारी रहने वाली है, तो दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपकी 3 प्रमुख गलतियां बताएंगे, साथ ही जो ग्रहों की स्थिति होगी, आपके जीवन काल में जो परिवर्तन होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में आपको कौन सी सावधानी, कौन सी चेतावनी रखने की आवश्यकता होगी, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे, ग्रहों की जो स्थिति होगी उनके अनुसार आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, इन सभी की भी विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कुछ जीवन के सीख के बारे में, जिन बातों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति के हंसमुख चेहरा यह नहीं दर्शाता है कि वह कितना खुश में है या फिर कितना दुख में है। जी दोस्तों, एक हंसमुख चेहरा यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कितने दर्द सहने की क्षमता है। जी दोस्तों, और आप भी अपने जीवन काल में ऐसा ही बनिए। जी दोस्तों, क्योंकि अगर आप व्यक्ति को दुख प्रकट करते हैं तो दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं युवा समय में उनका लाभ उठाएंगे और आपके पीट पीछे वो आपको मजाक उड़ाएंगे। जी दोस्तों, इसलिए आप कभी भी किसी के सामने अपनी गलतियां, अपनी कमियां ना दिखाइए। आपके जग में कुछ भी ना हो फिर भी आप सहनशील और साहसी बनने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में व्यक्ति का कोई जेब नहीं बल्कि उनका ऊपर का पहनावा देखता है, उनका ऊपर का चेहरा देखता है। तो दोस्तों, हर वक्त आप खुश और हंसमुख रहने का प्रयास करिए, कि दोस्तों आपके हंसते चेहरे भी आपके दुश्मन को अंदर ही अंदर जला कर खा कर देंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आपके जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी इनके अनुसार क्या क्या बदलाव आएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी 3 प्रमुख कौन सी गलतियां हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन अवश्य कर लें। दोस्तों, आपको इसके उत्तम रिजल्ट भी हासिल होंगे। आपको बता दें कि बच्चों का कोई उपलब्धि मिलने से घर में भी खुशी भरा माहौल रहेगा, समाज का भी आपके ऊपर मान सम्मान पड़ने वाले हैं। इससे दोस्तों आपका समाज में भी आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। दोस्तों, इसके उपरांत यशमी, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमी, खर्चों को सीमित रखें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। दोस्तों, बच्चों की समस्याओं में उनका मार्गदर्शन अवश्य करें, ये आपके लिए अति उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ जाने का मौका मिल सकता है। नकारात्मक व्यवहार की वजह से आपका मन यशमी थोड़ा सा व्यथित भी रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमी, जिन बातों की वजह से आपको निराशा प्राप्त हुई थी, दोस्तों उन बातों को पीछे छोड़ना आपके लिए संभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपयश क्यों मिल रहा है, इस बात का अवलोकन करने की अत्यंत आवश्यकता बन रही है। जीवन में एक ही अनुभव बार बार जो है आना, यह बतलाता है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं। तो दोस्तों यशमी, इन बातों पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, ये आपके लिए यशमी अति उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, आपके लिए समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, दोस्तों आपको बता दें कि किसी मित्र की मुसीबत में उनका सहयोग करना आपको आत्मिक खुशी भी प्राप्त करेगा। रचनात्मक तथा धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति भी आपकी रुझान बढ़ेगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए सफलता के मार्ग भी खोलने वाले हैं।
तो दोस्तों यश में चुनौतियों से बिल्कुल भी ना घबराएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में बच्चों की गतिविधियों और संगति पर कड़ी नजर भी रखें। हालांकि दोस्तों आप अपनी समझदारी व फिर सूझबूझ से हर समस्या का भी समाधान निकाल पाएंगे। यश में भावुकता में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना इसमें आपके लिए अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम पर अधिक ध्यान देने की वजह से परिवार से संबंधित बातों में आपके द्वारा जो है थोड़ा सा लापरवाही भी हो सकती है। दोस्तों काम करते समय आपको जो है कई कठिनाइयों का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों मनोबल बनाए रखें। पैसे से संबंधित लिए गए जो भी निर्णय हैं इनकी वजह से आपको जो है आर्थिक फायदा भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपका आत्मविश्वास तथा सकारात्मक दृष्टिकोण आपके कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी सहायक रहेगा। घर की सुख शांति सुविधा वस्तुओं की खरीदारी भी हो सकती है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। कोई पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी मामला भी यश में हल हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में दोस्तों तथा संबंधियों के साथ समय व्यतीत करने के बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दें। दोस्तों अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना यश में आपके लिए अति आवश्यक होंगे। ये स्वभाव की वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, तो दोस्तों यश में इनसे आप बचने का प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि लोगों द्वारा कई बातों का गहरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हो सकता है, इसलिए जिन लोगों की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ती है दोस्तों ऐसे लोगों के साथ जो है थोड़ी दूरियां ही बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित रहेगा। कारोबारी संबंधी जो भी कार्य यश में कर लें ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। करीबी रिश्तेदार या फिर मित्र परिवार से जो भी लोग आपके प्रति ईर्ष्या का भावना रखते हैं उनकी भावनाओं के बारे में यश में आपको पता भी चल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अगर प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक्त संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों समय अनुकूल है। कोई समाज सेवी संस्था में भी योगदान देने से आपको खुशी मिलेगी। युवा वर्ग और अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आगे भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल करने से आप जो है यश में प्रसन्न रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि अपने अहम और जिद जैसे स्वभाव पर नियंत्रण भी आप रखें। दोस्तों इनकी वजह से आपके कई काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नजदीकी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। दोस्तों यश में थोड़ी सी भी सावधानी आपकी रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकती है, तो दोस्तों यश में इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रह सकते हैं। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक परेशानियां यश में थोड़ी सी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यस्तता के बावजूद अपने घर परिवार के लिए समय आप निकाल लेंगे। इसे दोस्तों पारिवारिक वातावरण जो है मधुर और सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक यश में नजदीकियां बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में वंशानुगत परेशानियां दोबारा बढ़ सकती है, इसलिए लापरवाही ना बरतें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी समस्या बढ़ने की संभावना है। दोस्तों सकारात्मक रूप से दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें अति उत्तम साबित होंगे। तो आइए दोस्तों इसके साथ अब बात करते हैं कि आपके जीवन काल की तीन प्रमुख गलतियां जिन्हें आप अभी तक कर रहे हैं और यह गलती ही आपको आपके जीवन काल में बर्बाद कर रहे हैं। जी दोस्तों, इन गलतियों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यह गलतियों को अगर आपने अपने जीवन काल में सीख में बदल दिए तो दोस्तों आप एक सफल इंसान बन गए। जी दोस्तों, आपको सबसे पहला गलती बता दी कि आप बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं। जी दोस्तों, इस बात को ध्यान सुनिएगा कि जो भी अनजान व्यक्ति आपके समक्ष आते हैं, जिन्हें आपके साथ आए हुए कुछ दिन ना हुए हैं और उनके ऊपर जो है आप बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर
आपको सुधार करने की आवश्यकता है कि जो भी व्यक्ति हो आपके समक्ष, जो भी कोई आया हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको उनके ऊपर सोच विचार करना है, फिर ही कोई जो है कार्य करना है। जय दोस्तों, और आशय ही अपने जीवन काल में आप सुधार करें। इसके साथ ही दोस्तों आपके जीवन काल की आपके सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी जो भी कार्य करने वाले हैं उन्हें दूसरे के सामने उजागर कर देते हैं। जय दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कोई भी आने वाले समय में कार्य करना हो, कुछ भी आपको आरंभ करना हो, किसी चीज की शुरुआत करना हो, तो दोस्तों ऐसे में वह चीजों को, वह प्रोजेक्ट को आप किसी के सामने उजागर ना करें, कि दोस्तों इन्हीं का फायदा उठाकर वे आपके ऊपर कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि आपके कार्य शुरुआत में ही बहुत ही घाटा देते हैं। तो दोस्तों इस बात को भी अपने जीवन काल में आपको याद रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी जो गुप्त बातें हैं वह किसी और के साथ शेयर न करनी है। जी दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आपकी जीवन की तीसरी गलती यह है कि आप उन लोगों की आज से ही पहचान करना शुरू कर दीजिए जो कि आपके मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करते हैं। ये दोस्तों इस बात को आप जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दोस्तों इन्हें आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करनी है। जो व्यक्ति आपको लगे कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपकी बुराइयां करती है, ये आपके कार्यों में, आपके जीवन काल में आपको सिर्फ ही सिर्फ नुकसान करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी आप टाइम निकाल कर इनकी पहचान करें, इनके ऊपर ध्यान दें और इन्हें अपने जीवन काल से निकाल दें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यही व्यक्ति है जो कि आपको अभी तक गड्ढे में गिरा रही है। मुंह के सामने तो ये आपसे अच्छी बात करते हैं और पीठ पीछे आपके बहुत ही बुराई करते हैं। यूँ कहें तो पीठ पीछे आपके लिए नुकसान के ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज से ही आप इन व्यक्तियों की भी पहचान करिए, इन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इन तीनों चीज़ों को जो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों यही तीन गलती है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो दोस्तों आज से ही अपने जीवन काल में इन गलतियों को सुधारिए, और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।